गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास. यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. डियर स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. और कल हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन के बारे में, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. कल हमने उसकी डेफिनेशन देखी है रेस्पिरेशन, एंड हमने देखा ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, और दीज आर द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज. एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि प्लांट में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है और प्लांट्स के कौन से ऑर्गन्स हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. तो हमने देखा स्टोमेटा, जिसके थ्रू प्लांट्स के लीव्स और न्यूली ग्रोइंग स्टेम में गैसियस एक्सचेंज होता है. आफ्टर दैट हमने देखा रूट्स के अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम लेंटिसेल्स बोलेंगे, वो कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. गॉट इट. आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. लुक एट हियर, एज कंपेयर टू प्लांट्स एनिमल्स शो वाइड वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन्स. अगर हम प्लांट्स से कंपेयर करें तो प्लांट्स में एनिमल्स शो वाइड वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस. अगर हम प्लांट्स से कंपेयर करेंगे एनिमल्स को, तो प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन्स जो है वो बहुत डिफरेंट है. वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. प्लांट्स में हमने देखा स्टोमेटा और स्टोमेटल ओपनिंग, माइन्यूट पोर, लेंटिसेल्स एक्सेट्रा. बट यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं. तो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डिफर इन वेरियस एनिमल्स, और ये रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डिफर है वेरियस मीन्स डिफरेंट एनिमल्स में, यानी अलग अलग है अलग अलग एनिमल्स के अंदर. इन एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सराउंडिंग मीडियम कंटेन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव बिकम स्पेशलाइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से और उनके सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से कुछ बॉडी पार्ट्स, सर्टेन बॉडी पार्ट्स एक्चुअल स्पेशलाइज्ड होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में. इन द हायर एनिमल्स दीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और जो हायर एनिमल्स है उनके अंदर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्चुअल एसोसिएटेड है, रिलेटेड है किसके साथ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम. हम इस टेबल में देखेंगे कि एक्चुअल कितने डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड हैबिटेट. नाउ लुक एट हियर, रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिज्म. नाउ फर्स्ट वन, ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स. प्रोटिस्ट्स आपको पता है एक कंप्लीट किंगडम है, और स्पॉन्जेस मीन्स सीलेंट्रेटा, सॉरी पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. दे आर बिलोंग्स टू एक्वेटिक हैबिटेट. यानी प्रोटिस्ट में, स्पॉन्जेस में और जो सीलेंट्रेट्स है उनके डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स में, वो एक्वेटिक होते हैं तो उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, या जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करेंगे. नाउ फ्लैट वॉर्म, प्लेनेरिया, एनिलीड्स मीन्स अर्थ वॉर्म, नेरीज, लीच एंड एम्फीबियंस मीन्स एग्जाम्पल फ्रॉग. फ्लैट वॉर्म
आस्क हेलमिंस, उसके अंदर प्लानेरिया, एनिलीड्स मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ मेनी लीड्स और सेगमेंट, सेगमेंटेड बॉडी ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थ वॉर्म, नेरीज और लीच, और एम्फीबियंस एग्जाम्पल फ्रॉग। ये एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक होते हैं और इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस या ऑर्गन्स है वो है फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब वो एक्वेटिक रहेंगे, जनरल बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन जिसको हम बोलेंगे। अगर एक्वेटिक है कंप्लीट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेमी एक्वेटिक है तो उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस है यानी जो मॉइस्ट स्किन है, मॉइस्ट स्किन एक्चुअल उनके रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है। नाउ इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है इंसेक्टा, उससे बिलोंग करने वाले एनिमल इंसेक्ट्स, ओके, टेरेस्ट्रियल यानी ये एक्चुअल लैंड एनिमल्स हैं। इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स और स्पायरेकल्स होते हैं, यानी इनके बॉडी में ट्रैकिया टाइप के ट्यूब्स रहेंगे और ये ट्रैकिया ट्यूब्स एक्चुअल एक ओपनिंग के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, दैट इज स्पायरेकल्स, यानी ट्रैकियल ट्यूब एंड स्पायरेकल्स इंसेक्ट्स जो टेरेस्ट्रियल है। नाउ एरेक्निड्स, अगेन अनदर वन क्लास दैट इज एरेक्निड, इसके अंदर स्पाइडर स्कॉर्पियन होते हैं, ये भी टेरेस्ट्रियल है। इनके अंदर बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स, लंग्स एक्चुअल बुक के शेप में रहेंगे, इसीलिए इसको बुक लंग्स कहते हैं। ऐसे लगेगा एक कुछ 100 पेजेस की बुक है, वैसे स्टेप वाइज इनके अंदर लंग्स होते हैं, डिवाइडेड होते हैं लाइक पेजेस, तो इसीलिए इसको बुक लंग्स कहते हैं। नाउ आर्थ्रोपोड, एक और एग्जांपल लिमुलस, लिमुलस ये एक्वेटिक होता है, इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं, अगेन ये भी बुक के शेप के रहेंगे बट ये गिल्स है। बुक लंग्स और बुक गिल्स में डिफरेंस ये है कि लंग्स ये इनसाइड द बॉडी होते हैं एंड बुक गिल्स ये एक्चुअल आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे। नेक्स्ट एम्फीबियन टैटपोल ऑफ फ्रॉग, टैटपोल एक्चुअल एक लार्वल स्टेज है फ्रॉग की, इंटरमीडिएट स्टेज, सेलेमेंडर एंड न्यूट्स, सेलेमेंडर एंड एक और ऑर्गेनिज्म है न्यूट्स, एक लिजर्ड और लिजर्ड एंड फ्रॉग लाइक एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्स, ये एक्वेटिक है, इनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स रहेंगे, यानी ऐसे गिल्स जो एक्सटर्नली दिखते हैं। आपने देखा होगा जो टैटपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, उसके जो गिल्स है वो एक्चुअल आउटसाइड होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल गिल्स। नाउ फिश, कंप्लीट एक्वेटिक है फिश, इंटरनल गिल्स, यहाँ पर गिल्स कहाँ होते हैं, इंटरनल होते हैं, यानी ये जो गिल्स है एक्चुअल इंटरनल रहेंगे, ये गिल्स एक्सटर्नल रहेंगे आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और ये गिल्स इंटरनल रहेंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, टेरेस्ट्रियल और इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स, एंड टर्टल अगेन ये अंडर वाटर होता है, तो ये एक्चुअल यूज़ करता है एक ओपनिंग दैट इज क्लोएका, क्लोएका के थ्रू ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। गॉट इट स्टूडेंट, ये एक्चुअल एक पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस या ऑर्गन डिफरेंट है, वेरीज है। गॉट इट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, और कल हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन के बारे में, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, कल हमने उसकी डेफिनेशन देखी है रेस्पिरेशन,
एंड हमने देखा ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और दीज आर द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि प्लांट में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है और प्लांट्स के कौन से ऑर्गन्स हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो हमने देखा स्टोमेटा जिसके थ्रू प्लांट्स के लीव्स और न्यूली ग्रोइंग स्टेम में गैसेस एक्सचेंज होता है। आफ्टर दैट हमने देखा रूट्स के अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलेंगे वो कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। गॉट इट। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लुक एट हियर, एज कंपेयर टू प्लांट्स एनिमल्स शो वाइड वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन्स। अगर हम प्लांट्स से कंपेयर करें तो प्लांट्स में एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन्स जो है वो बहुत डिफरेंट है। वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। प्लांट्स में हमने देखा स्टोमेटा और स्टोमेटल ओपनिंग, माइन्यूट पोर, लेंटिसेल्स एक्सेट्रा। बट यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं। तो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डिफर इन वेरियस एनिमल्स और ये रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डिफर है वेरियस मीन्स डिफरेंट एनिमल्स में, यानी अलग अलग है अलग अलग एनिमल्स के अंदर। इन एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सराउंडिंग मीडियम कंटेन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव बिकम स्पेशलाइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से और उनके सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से कुछ बॉडी पार्ट्स सर्टेन बॉडी पार्ट्स एक्चुअल स्पेशलाइज्ड होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। इन द हायर एनिमल्स दीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो हायर एनिमल्स है उनके अंदर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्चुअल एसोसिएटेड है रिलेटेड है किसके साथ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। हम इस टेबल में देखेंगे कि एक्चुअल कितने डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड हैबिटेट। नाउ लुक एट हियर रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिज्म। नाउ फर्स्ट वन ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स। प्रोटिस्ट्स आपको पता है एक कंप्लीट किंगडम है और स्पॉन्जेस मीन्स पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे आर बिलोंग्स टू एक्वेटिक हैबिटेट। यानी प्रोटिस्ट में स्पॉन्जेस में और जो सीलेंट्रेट्स है उनके डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स में वो एक्वेटिक होते हैं तो उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी या जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करेंगे। नाउ फ्लैट वॉर्म प्लेनेरिया एनिलीड्स मीन्स अर्थ वॉर्म नेरीज लीच एंड एम्फीबियंस मीन्स एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्लैट वॉर्म आस्क हेलमिंस उसके अंदर प्लेनेरिया एनिलीड्स मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ मेनी लीड्स और सेगमेंट सेगमेंटेड बॉडी ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थ वॉर्म नेरीज और लीच और एम्फीबियंस एग्जाम्पल फ्रॉग। ये एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक होते हैं और इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस या ऑर्गन्स है वो है फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब वो एक्वेटिक रहेंगे, जनरल बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन जिसको हम बोलेंगे। अगर एक्वेटिक है कंप्लीट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी एक्वेटिक है
तो उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस है यानी जो मॉइस्ट स्किन है, मॉइस्ट स्किन एक्चुअल उनके रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है। नाउ इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है इंसेक्टा, उससे बिलोंग करने वाले एनिमल इंसेक्ट्स, ओके। टेरेस्ट्रियल यानी ये एक्चुअल लैंड एनिमल्स हैं, इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स और स्पायरेकल्स होते हैं, यानी इनके बॉडी में ट्रैकिया टाइप के ट्यूब्स रहेंगे और ये ट्रैकिया ट्यूब्स एक्चुअल एक ओपनिंग के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, दैट इज़ स्पायरेकल्स, यानी ट्रैकियल ट्यूब एंड स्पायरेकल्स इंसेक्ट्स जो टेरेस्ट्रियल है। नाउ एरेक्निड्स, अगेन अनदर वन क्लास दैट इज एरेक्निड, इसके अंदर स्पाइडर स्कॉर्पियन होते हैं, ये भी टेरेस्ट्रियल है, इनके अंदर बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स, लंग्स एक्चुअल बुक के शेप में रहेंगे, इसीलिए इसको बुक लंग्स कहते हैं। ऐसे लगेगा एक कुछ 100 पेजेस की बुक है, वैसे स्टेप वाइज इनके अंदर लंग्स होते हैं, डिवाइडेड होते हैं लाइक पेजेस, तो इसीलिए इसको बुक लंग्स कहते हैं। नाउ आर्थ्रोपोड, एक और एग्जांपल लिमुलस, लिमुलस ये एक्वेटिक होता है, इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं, अगेन ये भी बुक के शेप के रहेंगे बट ये गिल्स हैं। बुक लंग्स और बुक गिल्स में डिफरेंस ये है कि लंग्स ये इनसाइड द बॉडी होते हैं एंड बुक गिल्स ये एक्चुअल आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे। नेक्स्ट एम्फीबियन टैटपोल ऑफ फ्रॉग, टैटपोल एक्चुअल एक लार्वल स्टेज है फ्रॉग की, इंटरमीडिएट स्टेज, सेलेमेंडर एंड न्यूट्स, सेलेमेंडर एंड एक और ऑर्गेनिज्म है न्यूट्स, एक लिजर्ड और लिजर्ड एंड फ्रॉग लाइक एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्स, ये एक्वेटिक है, इनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स रहेंगे, यानी ऐसे गिल्स जो एक्सटर्नली दिखते हैं। आपने देखा होगा जो टैटपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, उसके जो गिल्स है वो एक्चुअल आउटसाइड होते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल गिल्स। नाउ फिश, कंप्लीट एक्वेटिक है फिश, इंटरनल गिल्स, यहाँ पर गिल्स कहाँ होते हैं, इंटरनल होते हैं, यानी ये जो गिल्स है एक्चुअल इंटरनल रहेंगे, ये गिल्स एक्सटर्नल रहेंगे आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और ये गिल्स इंटरनल रहेंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, टेरेस्ट्रियल और इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स, एंड टर्टल अगेन ये अंडर वाटर होता है, तो ये एक्चुअल यूज़ करता है एक ओपनिंग दैट इज़ क्लोएका, क्लोएका के थ्रू ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। गॉट इट स्टूडेंट, ये एक्चुअल एक पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस या ऑर्गन डिफरेंट है, वेरीज है। गॉट इट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर, व्हाई लार्ज एनिमल्स कैनॉट कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा क्यों है कि लार्ज एनिमल में, लार्ज एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प लेते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प के बगैर रेस्पिरेशन क्यों नहीं कर सकते? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर प्रीवियस पेज पर कि एक्चुअल लार्ज एनिमल में क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी लार्ज एनिमल है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम हायर एनिमल्स में ये एक्चुअल एसोसिएटेड रहेगा विथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम एसोसिएटेड होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। हम इसका आंसर इसमें फाइंड करेंगे। नाउ लुक एट हियर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन ऑफ गैस, एक्सपिरेशन मीन्स एक्सहेलेशन ऑफ गैस एंड गैसियस एक्सचेंज, वो गैसियस एक्सचेंज जो हमारे लंग्स में होगा।
दीज आर देन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज एंड द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है कि देन दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी लंग्स तक तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, लंग्स तक गैसियस एक्सचेंज हो गया, बट ये गैसेस एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होगी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को और डिफरेंट टिश्यूज को, तो इसके लिए हेल्प लगेगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बी डिवाइडेड इनटू एन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैविंग एक्सटर्नल नेयर्स नेसल कैविटी इंटरनल नेयर्स नेसोफेरिंग्स नोज थ्रोट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में, दो सेक्शन में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे एक्सटर्नल नेयर्स है, नेसल कैविटी है, इंटरनल नेयर्स है, नेसोफेरिंग्स है, नोज थ्रोट और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम रेफर्स टू द लैरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। और जो हमारा इंटरनल और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक तो हो गया हमारा एक्सटर्नल अपर, दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो स्टार्ट होगा लैरिंग्स से, उसके बाद ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज मैनर में। नाउ लुक एट हियर, द फर्स्ट नोज, नोज द नोज हैज अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग्स कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स। अब जो हमारी नाक है, नोज है, इसके एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग हमारी स्लिट लाइक है, तिरछी है, और इसको हम बोलेंगे नोज या नॉस्ट्रिल्स फॉर एंट्री ऑफ एयर इनटू द नेसल कैविटी। और इसका फंक्शन है, पर्पज़ है एयर को एंटर करना नेसल कैविटी में। द नेसल कैविटी इज डिविजिबल इनटू राइट एंड लेफ्ट नेसल चैम्बर्स बाय मिसेथमॉइड कार्टिलेज। अब जो हमारी नेसल कैविटी है वो लेफ्ट और राइट नेसल चैम्बर में डिवाइड होती है, और उनके बीच में जो बोन है, जो कार्टिलेज है, दैट इज़ मिसेथमॉइड कार्टिलेज। ईच नेसल चैम्बर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, और हर नेसल चैम्बर आगे डिवाइडेड है थ्री रीजन्स में। द फर्स्ट रीजन वेस्टिब्यूल, इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल्स, इट्स स्किन हैज़ हेयर फॉर फिल्टरिंग द एयर एंड ट्रैपिंग द डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल इन द इनहेलेटेड एयर। इसका जो फर्स्ट रीजन है दैट इज वेस्टिब्यूल, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, यानी पहला हिस्सा, अगला हिस्सा है, और इसकी जो स्किन है उसके अंदर हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और सस्पेंड करते हैं, जो भी इनहेलेटेड एयर के थ्रू डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होंगे। नाउ सेकेंड वन, रेस्पिरेटरी पार्ट कंडीशनर, द मिडल थिन वॉल्ड हाईली वैस्कुलर पार्ट फॉर द वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द इनहेल्ड एयर। अब जो हमारी नोज है, नॉस्ट्रिल्स है, उसका जो मिडल रीजन है उसके अंदर एक्चुअल में जो भी हम एयर को इनहेल्ड करेंगे वो कंडीशनर वाला पार्ट कहलाएगा, थिन वॉल्ड रहेगा, हाईली वैस्कुलर रहेगा, एंड ये एक्चुअल एयर को वार्म और मॉइस्ट कर देगा जो भी हम एयर को इनहेल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर ठंडी है एयर, अगर हमारा कोल्ड है, तो वो एयर, हमारा कोल्ड एयर डायरेक्टली हमारे लंग्स में नहीं जाता है, अगर वो जाएगा तो लंग्स को एक्चुअल उससे हार्म हो सकता है, तो वो इनहेल्ड एयर को ये कंडीशनर और रेस्पिरेटरी पार्ट
एक्चुअल क्या करेगा, वार्म और मॉइस्ट करके उसको फिर लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा और लंग्स को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करेगा। एंड द थर्ड वन, ऑल्फैक्ट्री और सेंसरी चैम्बर। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो ऑल्फैक्ट्री या सेंसरी पार्ट है। द अपर मोस्ट पार्ट इज लाइंड बाय ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। अब ये जो ऑल्फैक्ट्री का जो सेक्शन है, पार्ट है, सेंसरी पार्ट है, ये एक्चुअल एक तरह की ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम से क्या होता है, लाइंड होता है। और ये ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम स्मेल को डिटेक्ट कर सकती है, यानी जो भी हम इनहेल करेंगे एयर के थ्रू, जो हमारे नेसल चैम्बर में जाएगा, राइट और लेफ्ट नेसल चैम्बर के थ्रू इंटर होगा, वो एक्चुअल इस ऑल्फैक्ट्री पार्ट या चैम्बर में आने के बाद वो डिटेक्ट होगा, यानी हम वहाँ उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके स्मेल को। गॉट इट स्टूडेंट? ये हमारा नोज वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, जिसके तीन रीजन्स थे। नाउ द फैरिंग्स, नेक्स्ट पार्ट फैरिंग्स। इट इज डिविजिबल इंटू थ्री पार्ट्स। द नेसोफैरिंग्स इज द अपर मोस्ट पार्ट फ्रॉम द नेसल चैम्बर। इट लीड्स टू द ओरोफैरिंग्स, मीन्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एंड दिस अगेन दिस कंटिन्यूज बिलो एज द लैरिंगोफैरिंग्स। यानी ये जो हमारा फैरिंग्स है, इसके तीन सेक्शंस, तीन रीजन्स हैं। नेसोफैरिंग्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन दैट इज नेसोफैरिंग्स, अपर मोस्ट पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेसोफैरिंग्स। सेकेंड ओरोफैरिंग्स, जो नेसोफैरिंग्स लीड करेगा ओरोफैरिंग्स में, यानी वो मिडल पार्ट हो गया। एंड उनके दोनों के बीच में कंटिन्यूस बिलो दैट इज लैरिंगोफैरिंग्स। बिटवीन द नेसो एंड ओरोफैरिंग्स इज द पैलेट बोन। द फैरिंग्स हैज अ सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन कॉल्ड टॉन्सिल्स। अब अगेन इसके भी तीन रीजन्स है, नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। और बिटवीन द नेसो एंड ओरोफैरिंग्स एक बोन रहेगी, उसका नाम है पैलेट बोन। और फैरिंग्स के अंदर, फैरिंग्स हैज अ सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। फैरिंग्स के अंदर एक सेट, यानी वन पेयर ऑफ क्या रहेंगे, एक तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स रहेंगे, लिम्फ ऑर्गन रहेंगे, दैट इज टॉन्सिल्स। नॉट इट स्टूडेंट? अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैरिंग्स। इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इट इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक विच कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। अब ये एक्चुअल वॉइस बॉक्स भी कहलाता है और ये पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, विच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यानी साउंड प्रोड्यूस करने वाले कॉर्ड्स या ऑर्गन्स। एंड द लैरिंग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंगोफैरिंग्स एंड द हॉइड बोन टू द ट्रैकिया। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, लैरिंगोफैरिंग्स से, कहाँ तक रहेगा, हॉइड बोन तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज हॉइड बोन एंड इट इज़ अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो ट्यूबुलर। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स हेल्ड बाय मेम्ब्रेन एंड मसल्स। और ये हॉलो स्ट्रक्चर है, हॉलो ट्यूबुलर, और इसके जो वॉल्स है ये कार्टिलेज पैलेट के बने हुए हैं, प्लेट्स के, कार्टिलेज प्लेट्स के बने हुए हैं। एंड ये मसल्स से होल्ड किए जाते हैं, और कार्टिलेज प्लेट्स जिसको मेम्ब्रेन और मसल होल्ड करते हैं। एंड इट इज़ लाइंड बाय अ पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ इलास्टिक वोकल कॉर्ड्स। और ये इंटरनली लाइंड होते हैं एक पेयर ऑफ फोल्ड के, जो इलास्टिक वोकल कॉर्ड्स है, यानी दीज आर द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। एंड वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड द मॉड्यूलेशंस क्रिएटेड बाय टंग, टीथ, लिप एंड
नेसल कैविटी। अब जो वॉइस प्रोड्यूस होगी वो एक्चुअल वोकल कॉर्ड और मॉड्यूलेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होगी, वो मॉड्यूलेशंस जो हमारे टंग, टिथ, लिप एंड नेसल कैविटी प्रोड्यूस करेंगे। यानी जो हमारा साउंड है वो साउंड या जो एयर को जो पास किया जाता है वो एयर एक्चुअल वोकल कॉर्ड से पास होगा और हमारे टंग, लिप्स, टिथ और नेसल कैविटी की एक्चुअल मॉड्यूलेशंस के थ्रू उसको साउंड को प्रोड्यूस करेगा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा। आपको भी पता है अगर हम नेसल कैविटी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपको पता है यानी वहाँ पर उस एयर का मॉड्यूलेशन होता है तो नोज़ से साउंड आएगा, यानी एक्चुअल वोकल कॉर्ड ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट किसकी हेल्प से, इन मॉड्यूलेशंस की वजह से जो टंग, टिथ और नेसल कैविटी या लिप्स जो है उसको मॉड्यूल करेंगे। एंड द लैरिंग्स ओपन्स इनटू द लैरिंगोफैरिंक्स थ्रू अ स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। अब जो लैरिंग्स है वो इंटर ओपन होता है लैरिंगोफैरिंक्स में एक छोटी सी स्लिट लाइक यानी तिरछी ओपनिंग के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। वो ओपनिंग का क्या नाम है, ग्लॉटिस, उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। एंड दिस ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया और विंड पाइप इज गार्डेड बाय लीफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। हमारा जो लैरिंग्स है वो लैरिंगोफैरिंक्स में ओपन होता है एक स्लिट लाइक ओपनिंग के थ्रू, दैट इज उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। यानी ग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स ओपन होगा लैरिंगोफैरिंक्स में, और इस ग्लॉटिस को जो विंड पाइप में ओपन होता है इसको गार्ड किया जाता है एक लीफ लाइक फ्लैप के थ्रू, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। और एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, प्रिवेंट करना फूड की एंट्री को कहाँ पर, ट्रैकिया के अंदर। यानी ट्रैकिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है उसके अंदर फूड को या फूड पार्टिकल्स को जाने से रोकना, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करने का काम ये एपिग्लॉटिस करेगा, क्योंकि फूड पाइप, फूड जो वे है वो विंड पाइप से क्रॉस होकर जाता है, वहाँ पर एक फ्लैप लाइक क्या है, एक लीफ लाइक फ्लैप का कवर होता है जो उसको गार्ड करता है। अगर ये गार्ड नहीं करेगा तो आपको पता है कि जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं या हम वाटर ड्रिंकिंग करते हैं तो उस टाइम पर कभी कभी हमको एकदम से कफिंग आता है, ज़ोर से कफ आता है, हाई कफ, क्यों, तो एक्चुअल उस टाइम पर फूड का पार्टिकल ट्रैकिया में इंटर होगा तो हमको कफिंग आएगा, हमको खांसी आती है, और वो फूड पार्टिकल या वाटर जो बाय मिस्टेक ट्रैकिया के अंदर एंटर होगा तो वो बाहर निकल आएगा। गॉट इट स्टूडेंट। और हम कल आज का हमारा लेक्चर हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और कल हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रैकिया से, ट्रैकिया और विंड पाइप। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन एट द लास्ट ऑफ लेक्चर जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो आपको आज का क्वेश्चन रहेगा, राइट ए नोट ऑन फैरिंग्स एंड लैरिंग्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।